ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्पेसक्राफ्ट ने साहसपूर्वक वहां कदम रखा जहां कोई स्पेसक्राफ्ट जाने की सोच भी नहीं सकता। पार्कर सोलर प्रोब ने वो खतरा भरी मंजिल चुनी जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट पहले कभी नहीं गई और पहुंचा सीधे सूरज के एटमॉस्फेयर में। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, क्योंकि ऐसे झुलसाने वाले तापमान को कोई भी मेटल या पृथ्वी के सख्त चट्टान भी इसका सामना नहीं कर सकते। तो फिर ये सवाल उठता है, पार्कर सोलर प्रोब इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे टिका रहा और ये मेल्ट क्यों नहीं हुआ? हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम करता रहा? बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का खुलासा होगा। स्वागत है आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। 1900 की शुरुआत में जब साइंटिस्ट सूरज की रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब फिनोमिनन को नोटिस किया। उन्होंने सूरज से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ और उसकी कलर से सूरज की गर्मी का अंदाजा लगाने का प्रयास किया। ये जटिल कार्य पृथ्वी से एक स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से पूरा किया गया था, और जो रिजल्ट सामने आया उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसने एक सदी से वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। उन्होंने देखा कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर आश्चर्यजनक रूप से 1,000,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से 200 गुना ज्यादा। ये एक बेहद अनोखा फिनोमिनन है जिसे समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सूरज की चमक में छुपी हुई कोरोना लेयर को केवल सूर्य ग्रहण के दौरान या फिर कोरोनाग्राफ सनशेड की मदद से ही देखा जा सकता है। इस अनोखे फिनोमिनन को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखें कि आखिर वहां ऐसा क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है कि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोरोना लेयर इतनी एक्सट्रीमली हॉट है कि इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। 1500 डिग्री सेल्सियस में तो लोहा पिघल जाता है, जबकि दुनिया का सबसे टफेस्ट मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचिए, कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है, वहां इनका क्या हाल होगा? साइंटिस्ट को इन्हीं सब चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ही एकमात्र चुनौती नहीं थी, बल्कि उसे सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सूरज के करीब जाना बहुत मुश्किल है और सूरज बेहद दूरी पर है, क्योंकि अर्थ और सूरज के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। स्पेसक्राफ्ट में लगे रॉकेट बूस्टर्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वे ये दूरी तय कर पाए। लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस भेजा जाएगा, जहां वीनस की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। आखिरकार 2009 में प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। यहां मैं आपको बता दूं कि पार्कर सोलर प्रोब का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था 1958 में, लेकिन बजट इश्यूज की वजह से हर बार पोस्टपोन होता गया। फाइनली 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया। ये मिशन 7 साल के लिए प्लान किया गया था। प्लान में सूरज के करीब पहुंचने के लिए ये वीनस के 7 फ्लाईबाइज करेगा और सूर्य के 24 चक्कर लगाएगा। जैसे ही प्रोब सूर्य के करीब से गुजरेगा, ये करीब 200 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड अचीव कर लेगा। 27 सितंबर 2023 को स्पेसक्राफ्ट ने 6,35,274 किलोमीटर पर आर या 176.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा की, जो इतनी तेज थी कि मात्र 1 मिनट में न्यूयॉर्क से टोक्यो तक की दूरी तय की जा सकती थी। ये इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है। 28 अप्रैल 2021 को ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर सोलर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली प्रवेश कर चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से भी 200 गुना ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था, जिसे पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। फिर भी ये सवाल बरकरार है, पार्कर सोलर प्रोब इतने अत्यधिक तापमान में पिघलता क्यों नहीं है? पार्कर प्रोब की वह भाग जो सूरज को फेस करता है, वहां एक अत्याधुनिक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई ऑर्डिनरी फोम नहीं है, बल्कि इसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया है सूरज की इंटेंस गर्मी को अब्सॉर्ब करने के लिए। इसे रेटिकुलेटेड विट्रियस कार्बन फोम या RVC फोम कहते हैं। इनमें काफी सारे पोर्स होते हैं जिससे ये फोम अंदर से 97% खाली होता है, ताकि इसकी एफिशिएंसी और भी बढ़ जाए।
ये कार्बन फोम रीइंफोर्स्ड कार्बन कार्बन कंपोजिट की दो लेयर के बीच सैंडविच्ड होता है, जो हीट शील्ड को और भी मजबूती देता है। ये कंपोजिट एक्सट्रीम हीट टॉलरेंस की होती है, और इसमें एक फाइनल टच भी है। वो हीट शील्ड का हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है, उसे स्पेशली फॉर्मुलेटेड व्हाइट सिरेमिक से कोटिंग किया गया है, जिससे सोलर एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट कर दे। पार्कर सोलर प्रोब को ऐसे डिजाइन किया गया है कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा इस शील्ड के छाए में रहेंगे। लेकिन इन सब उपायों के बावजूद सवाल अभी भी बनी हुई है कि पार्कर प्रोब कोरोना के एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो कि 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, उसमें क्यों नहीं मेल्ट होता। तो जवाब ये है कि भले ही कोरोना का टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके पार्टिकल डेंसिटी काफी कम है। यहीं पर ही कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वर्सेस टेम्परेचर महत्वपूर्ण हो जाती है। टेम्परेचर मेजर करता है कि पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूव हो रहे हैं, जबकि हीट उस टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो इन पार्टिकल्स से ट्रांसफर होते हैं। चूंकि कोरोना का डेंसिटी सूर्य की सतह से कम है, स्पेसक्राफ्ट्स को कम हॉटर पार्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम हीट होता है। सूर्य का सामना करने वाला हीट शील्ड कई मिलियन डिग्री के वातावरण से गुजरने पर भी केवल 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, लेकिन 1400 डिग्री काफी है किसी भी इक्विपमेंट को भस्म करने के लिए। तो यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस में प्रोब में मौजूद इक्विपमेंट्स सही सलामत कैसे रह पाते हैं। इसे समझने के लिए जरा हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझते हैं, जिसके मुताबिक हीट ट्रांसफर के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, वैसे ही जैसे कि एयर पार्टिकल्स और वेपर्स समर्स में हीट कैरी करते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है, और जब पार्टिकल्स कम होते हैं वहाँ हीट ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। इसका एक उदाहरण जैसे कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई भी चीज हमसे टच नहीं होती। इसी वजह से पार्कर सोलर प्रोब के हीट शील्ड का जो साइड सूरज की तरफ है वो करीब 1370 डिग्री सेल्सियस का होता है, जबकि दूसरी साइड यानी सूरज की तरफ एक्सपोज्ड ना होने वाली साइड सब जीरो लेवल तक गिर जाता है। स्पेस के वैक्यूम में पार्टिकल्स की कमी होती है, इसलिए हीट ट्रांसफर मिनिमल होता है। इस साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ साथ एडवांस्ड हीट शील्ड, जिसकी थिकनेस भले ही 4.5 इंच की है, ये स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में 29 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखता है। इसके अलावा सोलर पैनल्स को वाटर सर्कुलेशन से ठंडा रखा जाता है, और सीधी धूप का पता चलने पर स्मार्ट सेंसर अलर्ट सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को अपनी पोजीशन सही करने के लिए सचेत करता है। इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ एडवांस्ड हीट शील्ड के डिजाइन ने इंश्योर कर दिया है कि पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट नहीं होता इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, जो आसानी से किसी भी मेटल को लिक्विड बना दे। इस प्रकार पार्कर सोलर प्रोब बिना पिघले डेटा कलेक्ट करता है। पार्कर सोलर प्रोब अपने 7 साल के मिशन में 5.25 साल पूरा कर चुका है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह के 6.16 मिलियन किलोमीटर के भीतर से डेटा भेजेगी, जो पहले कभी नहीं पहुंची गहराई से सोलर सीक्रेट्स का खुलासा करेगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हासिल की होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।